रोटरी मिडटाउन और इनरविल के सौजन्य से सोलन में नशे के खिलाफ रैली निकाली गई। जिला उपायुक्त विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का आयोजन पुराने बस स्टैंड से लेकर जिला उपायुक्त सोलन कार्यालय तक किया गया। रैली के दौरान शहरवासियों को बैनरों और नारों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया, ताकि शहर और प्रदेश को नशे की मार से बचाया जा सके और सोलन को नशे की कुरूतियों से बचाया जा सके। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष सविता और जितेंद्र भल्ला ने बताया कि उनके द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत नशा मुक्ति के लिए रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शहरवासियों को जागरूक किया गया और उन्हें आग्रह कर चौकन्ना रहने के प्रति प्रेरित किया गया, ताकि वे अपने आसपास नशे की गतिविधियों पर नजर रखें और नशे के काले कारोबार करने वालों की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दे, ताकि इस पे अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि उनके क्लब ने ये प्रण लिया है कि वे नशे को जिला व प्रदेश से निकाल कर ही दम लेंगे। आज हमने ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट एक रैली निकाल ली है। जैसा कि आप सबको पता है कि शहर के बीच में ड्रग्स की हालत बहुत ख़राब है। इस टाइम बच्चे जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है उनका। उनको समझाने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए रोटरी क्लब मिड टाउन ने आज ये रैली निकाली है। सभी जानते हैं कि इस टाइम पे हमारे शहर में एज वेल एज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो ड्रग्स का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है और हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी इसमें बहुत ग्रसित हो रही है। इसको हमने रोकने के लिए, इसके बारे में, इसके दुष्प्रभावों को बताने के लिए हमने रैली निकाली। और मेरी अपनी शहर की जनता से भी यही अपील है कि अगर कहीं आपको इस तरह का कुछ पदार्थ बिकता हुआ, कोई बेचता हुआ, कोई लेता हुआ नजर आए तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, या हमारी तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आ रही हैं, उन्हें सूचित करें।